फाइनली बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को अपना विनर मिल गया। दोस्तों सना मकबूल खान जो कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की विनर बनाई गई हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सना मकबूल खान को। और फाइनल पे टॉप टू पे दो लोग रह गए थे, सना मकबूल खान और वहां पर नेजी दबा और सना मकबूल खान के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था। 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइंस ओपन की गई थी, इसमें वोटिंग कराई गई थी रात में 10 बजे से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उस वोटिंग लाइन का खैर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वोटिंग पहले वाली ही गिनी गई है क्योंकि सूट सारा हो चुका था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फाइनली सना मकबूल खान विनर बन चुकी हैं और वो डिजर्व भी करती थी विनर बनना। और मैं इस बात से खुश हूं कि एक पॉजिटिव वाला जो ग्रुप था उस पॉजिटिव वाले ग्रुप में ही विनर मिल गया। वैसे जो लोग डिजर्विंग थे उनको तो बाहर पहले ही बिग बॉस ने कर दिया था, क्योंकि बिग बॉस ने एक स्ट्रेटर्जी बना के रखी थी कि भैया एक टीवी एक्टर को ही विनर बनाना है उनको, क्योंकि जो बिग बॉस 18 आने वाला है वहां पर उनको टीवी एक्टर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि बिग बॉस पे टीवी एक्टर्स ये कह करके मना कर देते हैं कि जो भी इन्फ्लुएंसर आते हैं वो जीत करके चले जाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है और टीवी एक्टर के पास सोशल मीडिया प्रेजेंस कम होती है, इस वजह से उनको विनर नहीं बनाया जाता। फिलहाल वहां पर सना मकबूल खान विनर बन चुकी हैं, उनके हाथ में ट्रॉफी अनिल कपूर जी ने दी और सना ने वो ट्रॉफी लेकर के भैया सभी को शुभकामनाएं दी। साथ में वहां पर नेजी के साथ इस ट्रॉफी को शेयर भी किया, दिखाया कि भैया हम दोनों ने ट्रॉफी जीती है, क्योंकि नेजी के साथ कुछ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली यहाँ पर सना मकबूल खान की। सना जीती कैसे इसकी बात करें तो सना जीती है वहां पर विशाल शिवानी और कटारिया के वोट्स के आधार पर, क्योंकि अगर ये तीनों घर से बाहर नहीं निकलते तो सना मकबूल खान किसी भी कीमत पर नहीं जीतती। और बिग बॉस ने सारी स्ट्रेटर्जी बनाई कि भैया इनको तीनों को बाहर किया जाए, पहले विशाल और शिवानी को बाहर किया, लास्ट में कटारिया बचा था जिसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग थी तो उसको भी बिग बॉस ने घर से बाहर कर दिया, ये कहकर कि भैया आपको घर वालों ने बोल दिया है कि घर वाले इतने कि भैया कटारिया निकलेगा। वहां पर भी बिग बॉस ने एट लास्ट मोमेंट पे सना मकबूल खान को बाहर वाला बना दिया, एक बार खुलने के बाद दोबारा से बाहर वाला बना दिया, क्योंकि पहले से ही माइंडसेट कर रखा था कि सना मकबूल खान को विनर बनाना है। और ये बात हमने लगभग आपको आज से 15 से 20 दिन पहले से ही वीडियो में बताना शुरू कर दिया था कि सना मकबूल खान ही विनर बनेगी। फाइनली सना मकबूल खान विनर बन चुकी हैं। और अगर बात की जाए तो सना मकबूल खान विनिंग नेचर की थी शुरुआत से ही, उन्होंने कहा था भैया मुझको तो जीतना है और मैं जीतने के लिए सेल्फिश हूँ, ये बात वो बोलती चली आ रही हैं और इस बात से सारे लोग खुश हैं। भैया वहाँ पर विशाल भी खुश हैं, शिवानी भी खुश हैं और लवकेश कटारिया भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं कि भैया हमारी टीम पे जो है ट्रॉफी आ गई फाइनली। जो हम लोग इतना सब कुछ कर रहे थे कि भैया सामने वाला जो ग्रुप है अरमान वाला रणवीर वाला इतनी निगेटिविटी करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, इसके बावजूद भी वहाँ पर उनको बिग बॉस कुछ नहीं कहते हैं, ना ही अनिल कपूर कुछ कहते हैं, और जबकि वो लोग इतना गलत तरीके से सब रिएक्ट कर रहे हैं, तो फाइनली वहां पर ट्रॉफी जो मिली है वो एक पॉजिटिव वाले ग्रुप को मिली है। और इस बार बिग बॉस को किसी टीवी वाले को देनी थी ट्रॉफी तो सना मकबूल खान को ट्रॉफी दी गई है। विशाल शिवानी और कटारिया तीनों इन्फ्लुएंसर थे, अगर इनके पास ट्रॉफी जाती तो फिर वाली वही वाली कहानी हो जाती और इस बार इनको बिग बॉस 18 के लिए टीवी एक्ट्रेस नहीं मिल पाते। अगर सना मकबूल की बात करें तो उन्होंने काफी अच्छा बिग बॉस पे खेला है, बहुत ही कॉम होकर के बिल्कुल पूरा अपने बिग बॉस के सफर को तय किया है। सना मकबूल की किसी से भी लड़ाई झगड़े हुए तो उन्होंने बहुत ज्यादा रणवीर के साथ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रही है हल्की फुल्की, कि रणवीर के साथ थोड़ा सा ऊटपटांग की बातें करी, नहीं तो उसने कहीं भी गाली गलौज नहीं दिया, किसी भी तरीके से गंदे तरीके से बात नहीं करी और जो उनकी फ्रेंडशिप थी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। एट ऑल अगर अनिल कपूर की बात करें तो कल फिनाले पे अनिल कपूर जी बोल रहे थे कि भाई शिवानी विशाल और कटारिया आप तीनों की दोस्ती बहुत ज्यादा पसंद की गई है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपके रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, अनिल कपूर जी ने बोला फिनाले पे। ये बात पूरे बिग बॉस के मेकर्स को पता थी, सबको समझ में आ रहा था कि जो ये तीन लोगों का ग्रुप है, चार लोगों का, ये बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है और इससे बहुत अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है, जनता बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। लेकिन अब मजबूरी थी उनके सामने कि उनको किसी भी टीवी एक्टर को ही देना था ट्रॉफी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर को देते तो फिर दिक्कत हो जाती है उनके लिए, क्योंकि आगे फिर बिग बॉस वगैरह में उनको लोग नहीं मिल पा रहे थे। तो फाइनली सना मकबूल खान विनर बन चुकी हैं और नेजी बने हैं वहां पर रनर। तो इस तरीके से बाकी जो लोग थे वो तो मुझे डिजर्विंग नहीं समझ में आए, सिर्फ रणवीर शौरी को छोड़ करके।
वहां पर ना ही कृतिका वहां ही साई केतन राव डिजर्विंग समझ में आया, लेकिन मजबूरी थी। यहाँ पर विशाल और शिवानी और कटारिया तीनों को बाहर करना था, तो भैया अंदर किसको रखते, अरमान को करते, तो अरमान भी मतलब उसमें डिजर्विंग हो जाता ट्रॉफी में। तो फाइनली सना मकबूल खान विनर बन चुकी हैं। बाकी बाहर निकल के सना मकबूल खान ने मीडिया से क्या बात करी, हम आपको अपने वीडियो में जरूर बताएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी दुनिया भर की अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहती है। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।